गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ की एक पोएम है बेटा हमारी कवितावली यानी कि राम लक्ष्मण मूर्छा विलाप। अब जिनके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इसका जीवन परिचय हम कर चुके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। आज इसकी हम व्याख्या करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त की। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग दो में संकलित कवितावली नामक कविता से ली गई है। इसमें इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से संसार में अच्छे और बुरे जो सभी प्राणी होते हैं, वे क्या करते हैं, वे लोग अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं। तो कवि कहा कि ये पेट की आग तो राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही शांत हो सकती है। उसके बारे में लोगों बताते हुए कवि ने क्या कहा है? किस भी मजदूर जो लोग होते हैं, मजदूर किसान कुल और समाज परिवार, बनिक व्यापारी भिखारी भाट, चाकर नौकर, चपल चट चंचल नट कला उछलने कूदने वाले जो कलाकार होते हैं, उछल चपल नट क्या होता है, उछलने कूदने वाले कलाकार, चपल नट उछलने कूदने वाले कलाकार, चोर चार चेटकी, जादूगर चेटकी यानी कि चार चेटकी जादूगर जो होते हैं वे जादूगर, पेट को पढ़त यानी कि जो सभी लोग जो बताए गए हैं कि चाहे मजदूर हैं, परिवार है, समाज है, व्यापारी भिखारी भाट नौकर उछलने कूदने वाले कलाकार भिखारी और जादूगर का खेल दिखाने वाले, ये सभी लोग क्या करते हैं, पेट को पढ़त अपने पेट को भरने के लिए गुण गढ़त शिकार करते हैं, चढ़त गिरी पहाड़ों पर जा करके। ये लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं और शिकार करते हैं, अटत गहन और घने जंगलों में जाते हैं, अहन खेट की और बहुत शिकार करते हैं। ये बता दें सभी लोग क्या करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, घने जंगलों में जाते हैं और क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म ए धर्म, ऊंचे नीचे कर्म और ऊंचे नीचे कार्य भी करते रहते हैं, धर्म ए धर्म और धर्म ए धर्म के कार्य भी ये लोग करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, धर्म ए धर्म के कार्य भी करते हैं। पेट ही को बचत पेट को भरने के लिए ये लोग और क्या कर देते हैं, बेचत बेटा बेटकी अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं, अपने पेट को भरने के लिए ये लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रूपी घनश्याम से ही आगे बढ़ावती बड़ी आगे बढ़ी, इसकी यहाँ से शुरू होगी सेकंड लाइन से, कि पेट की आग तो आगे बढ़भागी होता है समुंदर, समुंदर की आग से भी बड़ी भयंकर होती है, पेट की आग तो समुंदर की आग से भी बड़ी भयंकर होती है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं जिसे लोग भरने के लिए ये सारे सभी जो प्रकार के कार्य बताए थे ये करते रहते, तो तुलसीदास जी कहते किन कार्य से नहीं, पेट की आग तो केवल घनश्याम रूपी राम की कृपा से ही शांत हो सकती है, कि लोग ऐसे कार्य करते हैं लेकिन हमारी भूख शांत तो केवल प्रभु श्री राम की कृपा हो तो से ही हमारी भूखें शांत हो सकती है। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश इन पंक्तियों में इसमें कवि तुलसीदास जी ने जो लोग ऊंचे नीचे कर्म करते रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। उनकी भाषा सहज सरल भी है, अवधि व ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है।
अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी है। अवधी भाषा भी है। संस्कृत के तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मार्मिक छंद भी है इसमें। श्रृंगार रस का भी सजीव चित्रण किया गया है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट, जैसे इस संसार में पेट भरने के लिए कौन कौन कार्य करते हैं? कि इस संसार में लोग पेट भरने के लिए किसान, व्यापारी, भाट, नौकर, उछलने कूदने वाले कलाकार, जादूगर, ये सभी लोग कार्य करते हैं। कलयुग में अपना पेट भरने के लिए लोग क्या करते थे? कि कलयुग में लोग अपना पेट भरने के लिए बताया गया था, यहाँ तक कि वे अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे, ऊंचे नीचे कर्म भी करते रहते थे, और जब समय आता था तो वे अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तुलसीदास जी ने कहा था कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी भयंकर होती है, लेकिन ये आग हमारी केवल घनश्याम रूपी श्री राम की कृपया से ही शांत हो सकती है। इस काव्यांश का काव्य सुंदर अभी बता दिया गया था हमें। नील वाक्य के साथ में हमारा ये जैन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का, किनका जन्म कब हुआ था, ये जैन परिचय हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर ये राइट प्लस लर्न। कि जन्म बांधा जिले के राजापुरा ग्राम में सम 1889 के विक्रमी यानी सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बताया जाता है इनका एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम था रामपुर। इनके पिता का नाम था आत्मराम दुबे और इनकी माता का नाम था तुलसी देवी। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके माता पिता ने त्याग दिया था और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था, और इसके बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बाबा नर हरिदास जी ने इनको अपने आश्रम में रखा और इन्हें पढ़ाया लिखाया भी था। फिर इसके बाद में इनके गुरु ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया था, और काशी के शिक्षा गुरु थे इनके से स्नातक। इन्होंने वेद और पुराणों का ज्ञान भी इन्होंने कराया था। इनका विवाह जो होता है दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो जाता है। काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि में इनका जो समय होता है सबसे ज़्यादा व्यतीत हुआ था। मैं तो इनकी 1680 विक्रमी यानी सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा पीने प्रसिद्ध लिखा है, संवत 1680 गंग के दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यूह शरीर, ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है इनका दोहा। इनकी रचना, इनकी संख्या, ग्रंथों की जो संख्या 37 बताई जाती है, लेकिन 12 ग्रंथ इनके प्रमाणित भी माने जाते हैं। रामचरितमानस से अवधी भाषा में लिखी गई थी। चौपाई इनका प्रमुख छंद है, लेकिन दोहा और शिवित या छंद भी है इसमें, लेकिन चौपाई छंद का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रामचरितमानस के अवधि का जो समय होता है 2 वर्ष और 7 महीने था। विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, गीतावली, कर्षण गीतावली, ये सभी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं भी थी कि राम का स्वरूप, कि तुलसीदास जी के काव्य में राम का सबसे बड़ा वर्णन मिलता है। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार मानकर इसमें इनके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों की आराधना भी की थी। लोक मंगल की भावना, कि तुलसीदास जी एक सोचे लोक नायक भी माने जाते हैं। भक्ति भावना का सहज चित्रण भी किया गया है। इनकी सारे आदर्श भावना की स्थापना जो होती है वो लोक समाज पर की टिकी भी होती है। भक्ति भावना, किन्होंने नाग रामानुचार्य के सिद्धांत को अपनी भक्ति का आधार भी बनाया था, और इनकी भक्ति लोक संग्रह की भावना से उत्प्रोत भी है। प्रकृति चित्रण, इन्होंने पंचवटी, चित्रकूट, वन, नदी, पर्वत, पशु पक्षी आदि का भी विशेष चित्रण किया गया है। काव्य रूप के राम भक्ति के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने गीति, प्रबंधक, मुक्तक काव्यों का प्रयोग भी किया है, और हिंदी साहित्य में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कवि भी माना जाता है। फिर इसके बाद में आपको इनकी भाषा से लूँ कि इन्होंने अपने साहित्य में अवधि ब्रज दोनों भाषाओं के प्रयोग के साथ अवधि तत्सम तत्पुरुष, संस्कृत के तत्सम तत्पुरुष शब्द
राजस्थानी, फारसी, भोजपुरी, बैज आदि भाषाओं का प्रयोग भी उन्होंने किया है। उपमा रूपक उपदेश अलंकार भी हैं इसमें। दोहा चौपाई छंद हैं। श्रृंगार व्यवयोग दोनों रसों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो इसकी व्याख्या के पर्सन व्याख्या और जीवन परिचय, साथ में ये हमने अभी व्यक्ति माध्यम का फिफ्थ जो लेसन है कर चुके थे, लेकिन इसके साथ में हमारे के क्वेश्चन आंसर भी राइट प्लस लर्न होने चाहिए। ये हमारा व्यक्ति माध्यम का फिफ्थ जो लेसन है ये भी साथ में कंप्लीट राइट प्लस लर्न।